नशे का व्यापार, चार गिरफ्तार। थाईलैंड टू दिल्ली जहर की सप्लाई। देश की राजधानी दिल्ली में बेहद ही गुप्त तरीके से नशे का कारोबार चल रहा था। ड्रग तस्कर सोच रहे थे कि मीठे जहर का जो कारोबार वो कर रहे हैं उसकी भनक किसी को नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। नशे के कारोबारियों पर एक नजर हमेशा बनी रहती थी और वो नजर थी खाकी की। दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इंडिया का एक रिसीवर भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इनके पास से 562 किलो फाइन क्वालिटी कोकीन, इसके अलावा 40 किलो के आसपास थाईलैंड का जो गांजा है वो बरामद किया गया है। इस तमाम बरामद की गई ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 5,620 करोड़ आकी गई है। इसी घर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है देर रात दबिश देती है। पुलिस ने इस घर से लगभग 5,620 करोड़ की जो ड्रग्स है वो बरामद की है। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो गैंग का मास्टरमाइंड है उसका नाम तुषार गोयल बताया जा रहा है। इसके अलावा जो तीन लोग हैं, दो इसके साथी हैं, तीसरा वो शख्स गिरफ्तार किया है भरत जैन, जो कि मुंबई का रहने वाला है। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम जो है चारों आरोपी से पूछताछ कर रही है। नशे के बड़े गैंग को दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो एक दो महीने पहले ही दबोच लेती। लेकिन दिल्ली पुलिस का मकसद बिल्कुल साफ था, वो नशे की खेप के साथ तस्करों को भी कटघरे में लाने की तैयारी कर रही थी। तुषार गोयल ये वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है। इसके साथ में इसके दो साथी और हैं, एक हिमांशु और औरंगजेब। एक भरत जैन नाम का रिसीवर वो भी पकड़ा गया है। इनके पर्सनल पोजेशन से करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। फिर बाद में उस गोडाउन में जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके थर्ड फ्लोर पे, तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और मैरवाना है वो मिली। ड्रग्स के सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन उन कारोबारियों के लिए एक संदेश है कि देश के युवाओं को नशे की लत लगाने वाले सावधान रहें। जांच एजेंसियां अब सतर्क हैं, खाकी की नजर उन पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सवाल बड़ा है कि करोड़ों की कोकीन का ये किंगपिन कौन है। लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद हुई है। 560 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है। 40 किलोग्राम आपको बता दें मेरियाना बरामद की गई है और वहीं 5,620 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। ये रकम बताई जा रही है, लेकिन इसका मुख्य तौर पर सरगना कौन है ये सवाल बड़ा है। कपड़ों के डिब्बों में छिपाई गई थी ये कोकीन। इस तरह से छिपा कर ले जाया जा रहा था। महिपालपुर में बना रखा था इसका पूरा गोदाम, जहां पर ले जाया जाता था इस कोकीन को। गैंग के सरगना का नाम तुषार गोयल बताया जा रहा है। इसके अलावा तुषार गोयल जो है इंडिया में ड्रग्स का रिसीवर भी बताया जा रहा है। हिमांशु और औरंगजेब उसके हिस्सेदार थे, यानी कि बाकी साथियों का ये नाम है। क्रिप्टो करेंसी में होती थी ड्रग्स की खरीद और फरोख्त। यहां पर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था ड्रग्स को खरीदने में और बेचने के लिए। अगली बड़ी खबर आपको पुनीता बताएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वोट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, दरअसल ये पूरा मामला शुरू हो जाता है देवेंद्र फडणवीस को लेकर। डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर विपक्ष अब लगातार हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन आखिर देवेंद्र फडणवीस ने क्या बयान दिया है जिसे लेकर विपक्ष अब नाराजगी जता रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सूबे में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसी विशेष समुदाय का नाम लिए बिना वोट जिहाद का सियासी बम फोड़ा। वोट जिहाद अपना पहला मेला वोट जिहाद
निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने वोट जिहाद का जो तीर छोड़ा शायद वो सीधा सटीक जगह पर लगा। वोट जिहाद का नाम भर लेने से विपक्षी खेमा बौखला गया, विरोधी गुट हमलावर हुआ। देवेंद्र फडणवीस पर किसी ने ओछी तो किसी ने ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। वो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे है। वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और रही लौ जिहाद की बात, तो राज्य के गृह मंत्री है, कितना 7.5 साल से वो राज्य के गृह मंत्री, एक लंबे समय कहाँ लौ जिहाद हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों का आज तक कार्रवाई की। भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि मायावती की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है, डेवलपमेंट विकास सबके नाम पे, तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए। पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या पता है। कांग्रेस और शरद गुट की एनसीपी भी फडणवीस के बयान पर हमलावर है। वोट जिहाद शब्द को खिसकती सियासी जमीन का जनक बता दिया। इनके पास अपना कोई एजेंडा है नहीं, इन्हें नए नए शब्द आते हैं गढ़ने, बस वो शब्द गढ़ रहे हैं। इन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे शब्द गढ़ करके। नफरत के एजेंडे के अलावा कुछ नहीं करते, नफरत चलाते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये उन पे अंग पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। मतदान सबका अधिकार और हक है। यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है, याद रखिए मेरी ये बात, यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है वो जाग उठा है कि धर्म के राजनीति पे ये देश तोड़ना चाहते हैं। इसलिए तो